राम कामन जी, आपका पॉपकॉर्न में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जी स्माइल में आने वाला जो आपका होम स्वीट होम प्रोग्राम है, क्या छोड़ दिया है? एक तरह से छोड़ा भी है और एक तरह से अब तक जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि डेट्स के थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे, महीने में 12-13 दिन दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं बल्लू और परितोष, वो मेरे बहुत पुराने कॉलेज के दोस्त हैं, हम एक ही ड्रामा टीम में थे, और तो वो मैं इसे छोड़ना नहीं कहूँगा सीरियल को, इतना ही है कि मैं जब जब आ सकता हूँ उनको बता देता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक दो एपिसोड लिखे जाते हैं, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो एट द सेम टाइम। पर जितना पहले डेट्स देता था और जितना इन्वॉल्व था पहले, उतना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही हो डायरेक्टर के साथ या किसी? नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो सबसे पहले इसलिए मैंने वही कहा कि बहुत पुराने दोस्त हैं और हम लोगों में झगड़ा होना तो बहुत नामुमकिन सा ही है एक्चुअली। तो यही है कि उन्होंने भी बहुत एडजस्ट किया और मैं भी एडजस्ट कर रहा था, तो एक ये डिसाइड हुआ कि फिर इवेंचुअली कि हम लोगों को म्यूचुअली काम करना चाहिए। तो जो भी दिन निकाल पाता हूँ मैं उनको बोल देता हूँ और वो एपिसोड्स लिखवाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग शूट कर लेते हैं। तो इस वक्त आप और कोई भी सीरियल कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं और कोई सीरियल्स नहीं कर रहा। अच्छा, आपने 10 में और जहर में काम किया है, तो आपको उसमें कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। फिल्में तो करना चाहता था बहुत पहले से, और इसलिए मैं सीरियल्स थोड़ा अवॉइड भी कर रहा था, क्योंकि कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग या एक्साइटिंग हो नहीं रहा था, तो सोचा कि यही सही समय है कि फिल्मों में घुस जाऊं और अच्छे अच्छे रोल्स करूं। तो थैंकफुली ये जो 4 फिल्में एक्चुअली की मैंने इस एक ही दौरान, जहर सबसे पहली थी, उसके बाद परिणीता आई, फिर जहर 10 आई, और आखिर में एक विरुद्ध नाम की फिल्म भी की। तो ये 4 रोल्स जो थे बहुत अच्छे, अचानक आउट ऑफ द ब्लू आए और कर लिए, बहुत अच्छा लगा। तो आपको 10 और परिणीता में काम किससे मिला था, किसी ने अप्रोच किया था या कुछ? 10 के लिए तो खैर किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, और मैं अनुभव सिन्हा जी को बहुत पहले से जानता हूँ, तो वो भी मुझे कास्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने ऑडिशन पे बुला लिया, तो जाके मैंने ऑडिशन दिया, और बहुत सारे एक्टर्स थे उस रोल के लिए जिनके नाम मुझे कुछ खास पता नहीं है वैसे, तो उनमें से मुझे सिलेक्ट किया गया और वो रोल वैसे हुआ। फिर परिणीता तो खैर प्रदीप सरकार के साथ बहुत अरसे से रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, 1-2-3 एड फिल्म्स भी शूट कर चुका हूँ उनके साथ, तो वो तो पहले से ही चाहते थे कि मैं भी फिल्म के साथ जुड़ूँ, तो उन्होंने परिणीता में ये रोल जो है मुझे ऑफर किया और मैंने किया। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टार कास्ट होता है इन फिल्मों में, तो इसमें आपका रोल कहीं दब कर रह जाए, कुछ इस तरह का डर नहीं होता? नहीं, डर था, डेफिनेटली था, और बहुत जस्टिफाइड भी है, बिकॉज कैरेक्टर एक्टर्स अक्सर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बाकी कैरेक्टर एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्टार्स पे ज़्यादा ध्यान जो कहानी देती है, जो राइटर देता है, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देता है, उसमें कैरेक्टर एक्टर की टैलेंट और कैरेक्टर एक्टर कहीं गुम होकर रह जाता है। लेकिन एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा कि अगर ऑफर हुआ है रोल और ये करना चाहता था मैं पहले से ही, तो मैं करता हूँ, आगे सब भगवान की मर्ज़ी और डायरेक्टर की मर्ज़ी कि या तो रखेंगे या तो निकाल देंगे या तो कट जाएगा, जो विरुद्ध में हुआ मेरे साथ। विरुद्ध में 1-2 अच्छे सीन थे जो मैं चाहता था कि रखे जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म थोड़ी लंबी हो रही थी, तो महेश मांजरेकर को काटना पड़ा। तो इस वक्त आप कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं? अभी एक पहलाज निलानी साहब की एक फिल्म कर रहा हूँ, अभी तक टाइटल्ड नहीं है, और न्यूकमर्स को लॉन्च कर रहे हैं, उसकी सिर्फ 1 दिन की शूटिंग हुई, अभी चंडीगढ़ का एक पूरा शेड्यूल लगेगा, जिसमें अच्छा रोल है, हीरो के साथ ही है, ऑफिस में काम करता है और इज़ एट अ गुड पोस्ट, बहुत ही मजाकिया काइंड ऑफ आदमी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का, उसको सही राह भी दिखाता है और उसके साथ साथ चलता है। तो इस आपके लिए जो डायरेक्टर था कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और मेरे ख्याल से इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो जो सबको गाइड करता है और बताता है कि किस दिशा में जाना है, उसके सिवाय तो मेरे ख्याल से हम कैरेक्टर एक्टर्स तो बहुत दूर की बात है, हीरो भी बहुत राह भटक सकता है, तो
डायरेक्टर इज द इम्पोर्टेंट पर्सन. एज अ पर्सन आप किस तरह के हैं? सॉरी, एज अ पर्सन आप किस तरह के हैं? मैं एक्चुअली अपने आप के बारे में किसी एक क्या कहते हैं अपने आप को एक चीज़ में नहीं डाल सकता. मैं मजाक भी करता हूँ, थोड़ा सीरियस भी हूँ. तो आई ट्राई टू व्हाट यू कॉल इट, सारे मिक्सचर्स हैं इमोशंस जैसे सब में होते हैं. तो आप कोई टीवी एक्टर है जिसको आप अपना आइडल मानते हो? टीवी एक्टर मनोज पावा एक एक्टर हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. मेरे ख्याल से बहुत आज तक लोगों ने सही उनको इस्तेमाल नहीं किया है अपने फिल्मों में या सीरियल्स में, बट आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट. और हमारी ट्यूनिंग इसलिए, 7.5 फेरे नाम की एक फिल्म की है जिसमें एक सीन किया था मैंने पावा साहब के साथ, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड सीन्स इन द फिल्म. सो आई फील इट्स ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मच मच बेटर एक्टर्स इन द टेलीविजन एंड द मूवी इंडस्ट्री, एंड आई फील दैट, सीरियसली फील दैट ही शुड बी एक्सप्लॉयटेड मोर. नीरन कामत जी, आपका पॉपकॉर्न से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.